बीएसपी ने अयोध्या से चुनावी शंखनाद कर ब्राह्मणों के जरिए सॉफ्ट हिंदुत्व का रास्ता अख्तियार कर लिया है, तो मंदिर मंदिर नेताओं की दौड़ की सियासत एक बार फिर जोर पकड़ चुकी है। बीजेपी के कार्ड के लिए मायावती का ब्राह्मण कार्ड, सतीश चंद्र मिश्रा का संतों की शरण में पहुंचना अहम माना जा रहा है, तो वहीं बीएसपी और बाकी पार्टियों के मंसूबे ध्वस्त कर अपनी जीत के किले को बचाए रखने के लिए बीजेपी भी जुट गई है। बीजेपी घर घर संपर्क अभियान चला रही है। गुरु पूर्णिमा के मौके पर बीजेपी कार्यकर्ता अपने इलाके के मठों और मंदिरों में जाकर साधु संतों, पुजारियों और धर्म गुरुओं के सामने शीश झुकाते नजर आए। बीजेपी कार्यकर्ताओं को कहा गया है कि वो मंदिर मठों के अलावा अपने घर के आसपास छोटे मंदिरों में भी जाकर पुजारियों को सम्मान देकर आशीर्वाद ले। बीजेपी की कोशिश है कि वो स्थानीय स्तर पर साधु संतों को अपने पक्ष में लेकर आम जन तक अपना समर्थन तैयार कर सके। इसी क्रम में यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह लखनऊ के लाटोश रोड स्थित बौद्ध मंदिर पहुंचे। भगवान बुद्ध को नमन किया, भगवान बुद्ध से आशीर्वाद लिया और उसके बाद हम लोग दो भिक्षु यहाँ मौजूद था, दोनों को उन्होंने माने सम्मान किया, चादर चढ़ाया और कुछ अत्तो भी दान किया था, तो हम लोग उनके लिए आशीर्वाद किया, तो उनके लिए सबके लिए आशीर्वाद किया हम लोग, तो उन्होंने यहाँ आके ऐसे संदेश दिया कि जो किसी धर्म के साथ भेदभाव नहीं है, सभी लोग एक ही ज्ञा में है, तो किसी के साथ भेदभाव नहीं है, ये संदेश दिया उन्होंने आके। भाजपा जिसका कोर वोट हिंदू है, ब्राह्मण है, संत समाज है, उसको किसी भी तरीके से कमजोर नहीं करना चाहती है, तो उसी के प्रयास में आज एक बार फिर से गुरु पूर्णिमा के अवसर पर भाजपा निकल चुकी है मंदिर मठों में संतों के वंदन के लिए। स्वतंत्र देव सिंह ने यहाँ एक बार फिर संतों के सम्मान और विकास का नारा दिया तो विरोधियों पर हमला किया, सीएम पीएम का यशगान किया। गुरुओं का हमेशा स्थान सबसे ऊपर रहा, ईश्वर से भी ऊपर माना जाता और भारत की संस्कृति में ये गुरुओं का स्थान है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते, अध्यक्ष के नाते आज गुरु पूर्णिमा पर गुरुओं का आशीर्वाद लेकर गरीबों की सेवा करने का संकल्प हम लोग लिए हैं और लेकर भी आगे बढ़ना है। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसलिए माना जाता है कि ब्रह्मा से ऊपर में गुरु का स्थान है और राज्य के अंदर पार्टी के सभी कार्यकर्ता आज गुरुओं का आशीर्वाद लेकर आगे शक्ति लेंगे कि गरीबों की खुशहाली के लिए हम लोग परिश्रम करें, सरकार के माध्यम से और संगठन के माध्यम से भी गरीबों का गांव, गरीब की सेवा कर सकें, इसी संकल्प के साथ हम लोग आज निकले। अध्यक्ष जी, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि कल अयोध्या में जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी ने सम्मेलन किया, चार महीने पहले उनको रामलला की भी याद आई और मंदिर निर्माण की बात भी कर रही और ब्राह्मणों की भी याद आ रही। देखिए, राजनीतिक पार्टियां हैं, सभी को अपना अपना काम करना चाहिए। बीजेपी की कोशिश है कि वो छोटे बड़े मठ मंदिरों के पुजारियों को महत्व देकर चुनाव में उनके बूथ लेवल के प्रभाव को अपने पक्ष में कर ले। छोटे मंदिरों का भी स्थानीय लोगों को जोड़ने में बड़ा योगदान हो सकता है, जिसको देखते हुए हिंदू वोटों को अपनी तरफ खींचने की बीजेपी की कोशिश है, तो इस पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी हमलावर है। भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ चुनावी वर्ष की गुरु पूर्णिमा का ध्यान रखते हैं और कांग्रेस पार्टी के लोग हमेशा से गुरु पूर्णिमा को मनाते आए हैं और मनाते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी हो, बीएसपी हो, ये सब के सब सिर्फ चुनावी फायदे और नुकसान को देख करके सारे काम करते हैं और गुरु पूर्णिमा का भी ये राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश करते हैं, जैसे भगवान श्री राम का राजनीतिक लाभ लेने की बात कर रहे हैं। हमारे लिए भगवान श्री राम हो, गुरु पूर्णिमा हो, भगवान बुद्ध हो, ये सब हमारी आस्था का विषय है, राजनीति का विषय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का चरित्र, काम करने का तरीका, विचार बहुत मेल खाते हैं, इसीलिए उन्होंने पहले भी मिलकर सरकार चलाई है। बसपा का चुनाव के पहले ब्राह्मण सम्मेलन, जिसका नाम उन्होंने बाद में बदल के कह दिया प्रबुद्ध सम्मेलन, और आज गुरु पूर्णिमा के दिन भारतीय जनता पार्टी का धर्म का एक सार्वजनिक प्रचार, जिसमें उनके नेता एक कार्यक्रम के तहत मंदिर जाकर माथा टेक रहे हैं, इसका स्पष्ट प्रमाण है कि न वो हिंदुओं की बात करना चाहते हैं।
वैसे जीत के लिए मंदिर मठों का रास्ता सभी पार्टियों के लिए अहम सा हो गया है। क्या सपा, क्या कांग्रेस, सभी टेंपल पॉलिटिक्स करते दिखाई दे रहे हैं। मुस्लिम यादव वोट के अलावा अखिलेश यादव ब्राह्मण और साधु संतों का आशीर्वाद साथ लेकर चलना चाहते हैं। यही कारण है कि वो कभी चित्रकूट दौरे में मंदिर पहुंच जाते हैं तो मथुरा में बांके बिहारी के आगे हाजिरी लगाते हैं, फिरोजाबाद में सियर माता मंदिर भी पहुंच जाते हैं। ब्राह्मणों को लुभाने के लिए परशुराम जयंती को सपा दफ्तर में भव्य रूप से मनाया जाता है। अखिलेश पहले ही कह चुके हैं कि न केवल राम बल्कि कृष्ण भी समाजवादी पार्टी के हैं, तो कांग्रेस पार्टी ने भी अपना चुनावी रथ हिंदूवादी मार्गों से गुजारने का फैसला किया है। यूपी चुनाव आने से पहले प्रियंका गांधी वाड्रा कभी प्रयागराज में संगम में डुबकी लगाती नजर आई हैं, तो कहीं साधु संतों का आशीर्वाद लेते हुए दिखाई दी हैं। लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव की रिपोर्ट, यूपी तक।